हाई कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला कर दिया है। आपको बता दें, कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। सरकार या निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकते हैं। हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय चुनाव के लिए आयोग गठित करते हुए ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके बाद ही निकाय चुनाव संपन्न कराया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय को क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी। तो वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर हमलावर हुए हैं, तो ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी। तो देखिए, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है। कल भाजपा बाबा साहेब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। आरक्षण को बचाने की लड़ाई में सब प्राइवेट कर रहे थे, कंपनियां एक एक करके बेच रहे थे। अगर सब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, नौकरियां नहीं निकलेंगी, तो अंतर्गत आरक्षण खत्म बिल्कुल। तो और यहां तो दिखाई दे गया, जो आरक्षण मिलना चाहिए था अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती, तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। और जनगणना की बात कोई पहली नहीं हुई है बात, आप याद कीजिए। जिस तो वही निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सामने अब आ चुका है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। लगातार प्रश्न और विपक्ष के नेताओं के बयान सामने आ रहे, सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ों को आरक्षण न देने की मंशा अस्पष्ट हो गई। जिस तरह से मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट का फैसला आया था, हमारे संविधान के जो संशोधन हुए हैं उनमें अस्पष्ट है, बिना आयोग बनाए बैकवर्डों को आरक्षण नहीं दे सकता। सरकार आयोग न बनाकर, सरकार निकाय चुनाव की तैयारी न करके उसकी मंशा देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो शिक्षक भर्ती में ओबीसी को आरक्षण नहीं देती, वो जाति जनगणना का विरोध करती। आज भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराना चाहती, इसलिए जानबूझ के एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जानते हुए भी आरक्षण की व्यवस्था में पेश को ढीला छोड़ दिया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने आज पेश को टाइट करके बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का फैसला किया। लेकिन समाजवादी पार्टी बिना आरक्षण के चुनाव कराए जाने का विरोध करती है, ओबीसी के हक के लिए समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता से, अपनी विचारधारा से, अपने कर्मों से पिछड़ों, दलितों और शोषितों की विरोधी है। और आज जो हाईकोर्ट का फैसला नगर निकाय के चुनाव के संबंध में आया है, इससे एक बार फिर साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के खिलाफ है। तो वही निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि निषाद पार्टी माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करती है। निषाद पार्टी शुरू से ही आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के पक्ष में रही है। उच्च न्यायालय के फैसले का निषाद पार्टी सम्मान करती है। हम आरक्षण के संबंध में विशेषज्ञों से भी राय ले रहे हैं। आरक्षण को लेकर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और मुख्यमंत्री जी से बात की है और आज माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के साथ जो आया है वह उससे लगता है कि आरक्षण में कुछ विसंगतियाँ हैं। इसे दूर करने में हमेशा निषाद पार्टी पक्ष में रही है और इससे स्पष्ट है कि इसमें विसंगतियाँ दूर की जानी चाहिए। पिछड़े वंचित और शोषितों के हक हकूक के लिए हमने पार्टी निषाद पार्टी का गठन किया, इसका नाम ही निर्मल इंडियन शोषित हमारा आमदन।
तो वहीं मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का एक विवादित बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को भगवान राम की उपाधि दी है। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को भगवान राम बताते हुए कांग्रेसियों को भरत की संज्ञा भी दे दी है। सलमान खुर्शीद आज प्रेस वार्ता कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है, हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं। कांग्रेस को जुड़वाने का भाजपा का लक्ष्य है, अगर उनका ये लक्ष्य है तो मैं उनको धन्यवाद कहता हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ हम जुड़ जाते हैं उसको वो पहचाने कि हम जुड़े हुए हैं। नसीरुद्दीन सिद्दीकी और हम यहाँ बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ होगा ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ होगा। अभी नहीं, पहले पहले ये कभी हुआ होगा या बाद में हुआ। ये कभी कभी मुरादाबाद आते थे, कभी मेरी बात तो नहीं करते थे, करते थे नहीं करते थे, आज मेरी बात करते हैं, आज मैं इनकी बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ है ना। तो वहीं विश्व स्तर पर बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए देश भर के सभी अस्पतालों में कोविड रिस्पांस मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसके चलते अस्पतालों में कोविड की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया सभी अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। कई जगह कोरोना से निपटने के लिए तैयारी अधूरी मिली तो कई जगह तैयारियां ही नहीं की गई हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी मॉक ड्रिल की जा रही है। आगरा, गोरखपुर, हरदोई, रायबरेली, सहारनपुर, संत कबीरनगर, सुल्तानपुर और उत्तरकाशी की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर आज सुबह की मॉक ड्रिल की तस्वीरें हैं। कानपुर देहात के चर्चित बलवंत हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। बलवंत हत्याकांड में शामिल दो और पुलिसकर्मी गिरफ्तार हो गए हैं। विनोद कुमार और प्रशांत पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि अब तक पूरे मामले में एसओजी प्रभारी शिवली कोतवाली सहित 8 पुलिसकर्मियों को जेल भेजा जा चुका है। फिलहाल घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश हो रही है। इटावा जिले के उपेंद्र यादव ने जिले का नाम रोशन कर दिया है। उपेंद्र का आईपीएल 2023 में सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन की खबर जैसे ही उपेंद्र के परिजनों को मिली तो गांव में खुशियां मनाई गई हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि मिठाइयां भी खिलाई गई हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उपेंद्र भारतीय टीम में पहुंचकर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन करेंगे। आईपीएल में उपेंद्र यादव सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलेंगे। उपेंद्र की कामयाबी पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। हमारा नाम जगदीश नारायण है। यहाँ पर आप स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं, क्या मांगे हैं आप लोग? हमारा स्टेशन पर पहुंचे नहीं है, ये हमारा जन्म स्थान भी है और हम बहुत ही अच्छे प्रकार से जानते हैं कि जब यहाँ बहुत सवारियां कम आती थी। तो वहीं लखनऊ पुलिस कमिश्नर एसबी शिरडोकार ने लखनऊ पुलिस का एक साल का ब्यौरा जारी किया है। उन्होंने बताया कि करीब 9 ऐसी घटनाएं थी जिनका अभी पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है, जिसमें हत्या और लूट की घटनाएं शामिल है। तो वहीं 70 से ज्यादा अपराधियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर 1,77,56,00,000 की संपत्तियों को जब्त किया गया है। ऑलमोस्ट 5 महीने पहले हम लोग यहाँ मिले थे जब मैंने ज्वाइन किया था, और ये बेसिकली पूरे वर्ष का एक लुकिंग बैक जिसको कहते हैं वो हम करेंगे। सबसे पहले तो जो क्रिसमस बीता है और जो नया वर्ष आने वाला है उसकी आप सभी को शुभकामनाएं। और पिछले दिनों में आपने लखनऊ पुलिस का अलग अलग फेस्टिवल्स में जो अलग अलग आयोजन हुए उसमें कार्य देखा, जैसे विधानसभा के सत्र हुए, विभिन्न आयोजन हुए क्रिकेट मैच की तरह। मैं बहुत ज़्यादा उपलब्धियों के बारे में इस समय इसलिए नहीं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि जो हमने कार्य किए हैं वो आपके समक्ष है, लेकिन जो कमियां हैं और जहाँ जहाँ सुधार होने की आवश्यकता है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जिन घटनाओं का अनावरण नहीं हुआ है उनके बारे में भी मैं आपके समक्ष उसको रखना चाहूँगा, और जहाँ हम काम कर रहे हैं। अगर हम हत्या की बात करें, हत्या की घटनाओं की, तो प्रमुख रूप से 5 घटनाएं जो है जिनमें अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, वर्कआउट नहीं हुई है, उनमें हम अनावरण का और उसकी विवेचना पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। ठाकुरगंज में अप्रैल महीने में एक अज्ञात महिला की लाश मिली थी, अभी उसकी पहचान नहीं हो सकी है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंदिरा नगर में इसी प्रकार जून के महीने में एक महिला की लाश मिली थी जिसमें
उनका सर नहीं था। मड़ियाओं में एक फरवरी के महीने में एक व्यक्ति थे, बैंकर थे, उनकी कोरोना अलर्ट के बीच कृष्ण की नगरी मथुरा में लापरवाही का बोलबाला है, जहां अभी कोरोना को लेकर लोगों में जागरूकता दिखाई नहीं देती है। अस्पताल में अभी लोग बड़ी संख्या में बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। इसी पर हमने जब जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर मुकुंद बंसल से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। कोविड को लेकर तो हम हमेशा से तैयार रहे हैं, हम पूरी तरीके से हम फिर से तैयार हैं। मेनली जो ऑक्सीजन जो फास्ट अनुभव है कोविड में, तो मेनली ऑक्सीजन का जो है वो आवश्यकता उसमें देखी जाती है, और जो दवाइयां हैं, बेड्स हैं, वो सारी चीज़ें हमारा तो ऑक्सीजन प्लांट लगातार जो है वो काम कर रहा है। मास्क का उपयोग और थोड़ी एक दूसरे से भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं करें और दूरी बना के रखें और मास्क का प्रयोग करें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के MM हॉस्टल में बीते दिनों कश्मीरी और गाजीपुर छात्रों के बीच हुए बैडमिंटन खेलने को लेकर हुए विवाद के मामले को लेकर अब कश्मीरी छात्रों से जुड़े संगठन के अध्यक्ष ने अलीगढ़ के लोकसभा सांसद सतीश कुमार गौतम से मुलाकात की। इस दौरान जम्मू कश्मीर छात्र संगठन के अध्यक्ष नासिर ने कहा कि AMU में जम्मू कश्मीर के 1400 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। AMU में कश्मीरी छात्रों के साथ कई मामले हुए हैं, लेकिन उसमें AMU प्रशासन ने बिल्कुल भी सख्ती नहीं दिखाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले 3 महीने में कश्मीरी छात्रों के साथ कई मामले पेश आए, जो मामला हमने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोक्टर, रजिस्टर और इनफैक्ट VC की नोटिस में लाया था। लेकिन पिछले 3 महीनों में मारपीट के मामले में यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही है। कल भी एक कश्मीर से हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, वो मिलने गया है, जो कश्मीर के छात्रों के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो घटना हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से उनके साथ मारपीट होना, हथियारों के बल पर गुंडागिरी करना, छात्र एक साथ हो गए नहीं तो। उत्तराखंड की बेटी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हरीश रावत कल से धरने पर है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 24 घंटे के लिए गांधी पार्क के सामने धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन इस दौरान कांग्रेस पार्टी के 19 विधायक और प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष में से कोई भी हरीश रावत के धरने में नहीं दिखाई दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस पर फिर सवाल उठ रहे हैं, क्या ये धरना केवल हरीश रावत का ही है या फिर पार्टी में सामान्य स्थिति नहीं है? आ रहे हैं, आज तो मैं आई हूँ, आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, सभी हैं। देखिए ना, हम गोविंद सिंह कुलवा जी आए हैं, हम प्रदीप टमटा जी हैं, सब लोग अपना अपना समय करके आ रहे हैं। और रही बात, ये तो राज्य की बेटी को न्याय दिलाने की बात है, इसमें सब साथ हैं। ये पार्टी लाइन से भी अलग अगर देखा जाए तो इसमें सब है, एक सामाजिक वो है, एक बहुत बड़ा इशू है। ये इस तरीके का घोर जो है कुकृत जो हमारे राज्य में हुआ है, इससे हम सबकी आंखें जो हैं शर्म से झुकी हैं। तो और इस तरीके का आगे ना हो, इसके लिए सबका प्रयास है, और ये होगा भी नहीं। देखिए, विधायक आने का देखिए ऐसा होता है, जिसकी अंदर से अंतरात्मा कहती है मुझे करना चाहिए। हरीश रावत ने किसी से पूछ करके धरने को नहीं रखा, किसी से टेलीफोन करके भी नहीं कहा है कि आप आना या मत आना। उनके अंदर की एक भावना आई कि मैं इतना वरिष्ठ व्यक्ति हूँ और उत्तराखंड हमने बनाया है, उत्तराखंड राज बना हुआ 22 साल हो गए हैं, इसी देवभूमि में अगर 22 सालों में हम बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए आगे नहीं आ पाए तो इसका क्या परिणाम होगा कल को। तो इसको सोच करके उन्होंने स्वयं अपने ऊपर लेकर के उस बात को धरने में बैठे हैं, किसी से कुछ कहा नहीं है। विधायक आए ना आए, उनकी अपनी सोच है, विधायकों का अपना काम है। नहीं, धरने देखे हाल है, गरीब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ लीडर हैं, उनके द्वारा आह्वान किया गया है ना, और उन्होंने साफ ही कह दिया है ये मेरी पार्टी का नहीं है, मेरी आस्था और उत्तराखंड की के लोगों की आस्था का प्रश्न। अलग अलग लोगों के हो सकते हैं, अलग अलग कार्यक्रम हो, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, सवाल उसका नहीं है। सवाल है क्या हम इस प्रदेश की अपनी बेटियों के उस सामाजिक हक की लड़ाई के साथ है या नहीं, और इसका उत्तर प्रदेश की सरकार को, भाजपा की सरकार को देना होगा। और जहाँ जब मुझे लगता है कि भाजपा की सरकार, चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश, कहीं भी हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, चाहे हाथरस का प्रकरण आप जानते हैं, उन्नाव का प्रकरण जानते हैं, वहाँ भी सरकार भाजपा बेटियों के साथ खड़ी नहीं थी,
न्याय के पक्ष में खड़ी नहीं थी, अपने बलात्कारी विधायकों के पक्ष में खड़ी थी। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का अंकित हत्याकांड को लेकर धरना देना बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि हरीश रावत प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं, लेकिन जो मामला कोर्ट में है उसको लेकर धरना देना न्याय संगत नहीं है। वहीं जल्द ही नए साल के मौके पर संगठन स्तर पर कार्यकारिणी का गठन तो होगा ही, वहीं प्रदेश प्रभारी से चर्चा के बाद जल्द दायित्व का भी घोषित कर देंगे। जब मामला न्यायालय में हो तो न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने का ऐसा काम इतने वरिष्ठ नेता को नहीं करना चाहिए। सारे विषय न्यायालय के अंतर्गत हैं और सरकार ने तो जिन जिन विषयों पर ऋषिकेश में एसटीएफ ने फर्जी आधार और वोटर कार्ड बनाने वाले आधार सेंटर का भंडाफोड़ किया है। बता दें कि कॉमन सर्विस सेंटर में पैसे लेकर धड़ल्ले से देशी और विदेशी नागरिकों के आधार और वोटर कार्ड बनाए जा रहे हैं। नेपाली नागरिकों को वोटर और आधार देकर बना गढ़वाल का निवासी बन रहे थे, जिस पर एसटीएफ ने कॉमन सर्विस सेंटर से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों से फर्जी कार्ड बनाने वाला सामान, नकदी और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया। क्योंकि काफ़ी दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि कुछ लोगों द्वारा जो बाहरी लोग हैं उनका फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं जिसमें वोटर आईडी, आधार कार्ड आदि शामिल हैं। तो उन सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए कल एसटीएफ ने ऋषिकेश एरिया में एक सीएससी सेंटर पर रेड की थी, जहाँ से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से कई सारे फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और आदि अन्य डॉक्यूमेंट्स भी प्राप्त हुए हैं। और इनसे जानकारी करने में पता चला है कि ये लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लोगों को वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड बनाकर देते थे, इसलिए एवज में इनसे 10। साइबर फ्रॉड के नए नए तरीके अब साइबर ठग अपना रहे हैं, जिसके चलते अब बिजली के बिल भुगतान को लेकर भी साइबर ठगी के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। खास बात यह है कि उत्तराखंड के ऊर्जा सचिव और मीनाक्षी सुंदरम तक को साइबर ठगों ने बिजली का बिल जमा ना करने पर बिजली कनेक्शन काटे जाने का मैसेज भेज दिया है। इस पर ऊर्जा सचिव और मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि पहले भी एक रिटायर कर्मचारी ने उन्हें इसको लेकर कंप्लेंट की थी, जिसके बाद उन्होंने ऊर्जा विभाग के एमडी के माध्यम से साइबर सेल में इसको लेकर मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन अब उनके पास साइबर ठगों से एक मैसेज प्राप्त हुआ है, जिसके बाद उन्होंने डीजीपी अशोक कुमार को भी मामले में तेजी लाने के लिए कह दिया है। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी समेत 4 लोगों के खिलाफ नगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में यह मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं महंत रविंद्रपुरी ने इस पैसे ऐंठने की साजिश बताया है इसको। मेरे खिलाफ ये लोग अभी से नहीं, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, ये नेपाल से लेके कई लोग हैं जो मेरे पीछे लगे रहते हैं। बाकी इनका रोज का काम है, इनको पैसा चाहिए। कई लोग ऐसे जो काम नहीं करना चाहते, मठ मंदिरों से पैसा लेके वो अपना घर चलाना चाहते, जब हम पैसा ये नहीं देंगे तब हमारा वो पीछे लगे रहते। देखिए, ये कोर्ट के जो माननीय हमारे न्यायालय है उसके आदेश के क्रम में एक जेपी बडूनी जी द्वारा जो है वहाँ पे आवेदन किया था कोर्ट में कि इनके द्वारा कुछ धोखाधड़ी और इस संबंध में कोई प्रार्थना पत्र दिया गया था, तो माननीय न्यायालय ने जो मनसा देवी के अध्यक्ष हमारे रविंद्रपुर जी और अन्य लोगों के खिलाफ जो है परिवाद दाखिल करते हुए उसमें मुकदमा पंजीकृत कराया है और उसमें विवेचना प्रचलित है। रामनगर वन प्रभाग की ओर से बाघ रेस्क्यू में पहली बार लाइव तकनीक का उपयोग करते हुए लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए बाघ पर नजर रखी जा रही है। इस काम के लिए सीसीटीवी कैमरे का उपयोग किया जा रहा है। इसमें इंटरनेट और पावर बैंक की मदद से दूर दराज क्षेत्र में बिना मानवीय व्यवधान के बाघ की एक्टिविटी पर लाइव स्ट्रीमिंग से मोबाइल ऐप के माध्यम से नजर रखी जा रही है। कम पैसे में इस तरीके से हम बिना व्यवधान डाले उसके क्षेत्र में और मैन पावर का कम से कम इस्तेमाल हो, तो किस तरीके से किया था, तो उनके निर्देशानुसार हमने एक तो वहीं रामायण रिसर्च काउंसिल से जुड़े साधु संतों की ओर से बिहार के पौराणिक तीर्थ स्थल सीतामढ़ी में माता सीता की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित कराई जाएगी। लगभग 12 एकड़ जमीन पर स्थापित होने वाली मूर्ति की ऊंचाई 151 फीट होगी और अष्ट धातु से मूर्ति का निर्माण होगा। हरिद्वार के जूना कारी साझा की है।
51 फीट ऊंची माता भगवती सीता की प्रतिमा जो अष्टधातु की होगी, जिसमें समस्त लोगों से हम आह्वान कर रहे हैं, साधु संत विभिन्न अखाड़ों के लोगों से हम आज आह्वान करते हैं कि आप भी इस प्रतिमा को बनाने में अपनी तरफ से पूर्ण सहयोग दें। 2023 में जैसे शुरुआत होगी तो माता जी की ज्योत यात्रा निकालेंगे, सीता माता की ज्योत यात्रा। विंटर कार्निवल के तहत जहां कई सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें साहसिक खेल भी पर्यटक को और स्थानीय लोगों को खूब लुभा रहे हैं। इसी कड़ी में आज भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा रॉक क्लाइंबिंग का आयोजन हुआ है, जिसमें बल के जवानों ने रॉक क्लाइंबिंग के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया। हाँ, जो मसूरी महोत्सव इसमें मनाया जा रहा है, मसूरी विंटर लाइन कार्निवल, इसमें हम लोगों ने हर टाइप के एक्टिविटीज़ को शामिल किया है। उनमें हम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवा रहे हैं, लोकल भी करवा रहे हैं, तो अदर स्टेट्स के भी करवा रहे हैं, बॉलीवुड के भी करवा रहे हैं। साथ में हमने बच्चों के कार्यक्रम रखे हैं, कुछ एडवेंचर्स रखा है, कुछ स्पोर्ट्स रखा है, योग रखा है, और हमने कोशिश की है कि हर वर्ग का जुड़ सके। उसमें ITBP द्वारा रॉक क्लाइंबिंग और कराते। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।